तब तक आध्यात्मिक चेतना तो प्राप्त करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। देखिए आध्यात्मिक चेतना का मतलब ये नहीं होता कि नहीं अमुक भाई साहब तो हर संडे नजर आते हैं बैठे हुए और उसका परिणाम ये हुआ है कि इनके तिलक भी आ गया, कंठी भी लग गई, धोती कुर्ता भी पहन लिया, अब ये सब ठीक समझ रहे। नहीं, ऐसा कतई आवश्यक नहीं। बाहरी परिवर्तन तो बहुत आसान है, आंतरिक परिवर्तन समर्पण के बिना नहीं होता। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक वही डॉक्टर जैसा समर्पण, जैसे डॉक्टर के पास बोलते हैं ना, छोड़ देते हैं कि अब चीरो चीरो फाड़ो, मर जाएगा कोई बात नहीं, मर जाएगा तो वो इलाज तो है नहीं, मर तो वैसे ही रहा है डॉक्टर का, तो मर जाएगा, 5 लाख रुपए और चले जाएंगे फिर मर जाए कोई बात नहीं। इतना विश्वास जो डॉक्टर पे कर लेते हैं शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए, और इसका आधा 50% भी अगर आध्यात्मिक व्यक्ति पर किया जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, जब भौतिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका पहले कैरेक्टर देखते हैं, चरित्र देखते हैं पूरा, कि भाई हम इसे अपने मरीज को दे रहे हैं, अपने व्यक्ति को दे रहे हैं, इसका क्या चरित्र है, इसका क्या मूड है, क्या भाव है, देखते हैं तो समर्पित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को कम से कम उसका 50% समर्पण तो आध्यात्मिक जीवन में करना ही होगा, उसके अनुरूप ही आध्यात्मिक चेतना को हम प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, जीवन में बदलाव नहीं आएगा। बहुत ज्यादा सुनना भी कई बार खतरनाक हो जाता है, आनी चाहिए विनम्रता और आ जाता है अहम, लोगों से बहस करने के लिए। ज्ञान का मतलब है कि आपके अंदर विनम्रता आ जाए, जब ज्ञान आएगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर विनम्रता आएगी, हम सोचेंगे कि वास्तव में हमें कोई ज्ञान है ही नहीं, और जब लगे हमें कि नहीं हम तो पूर्ण ज्ञानी हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्थिति अच्छा नहीं। लेकिन पूर्ण ज्ञानी वो व्यक्ति हो सकता है जो पूर्ण भगवान की बात को बिना कुछ जोड़े और घटाए बोलता है, वो बात बिल्कुल पूर्ण है, उस बात में संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण भगवान से आई। इसलिए पूर्ण भगवान की पूर्ण बात को स्वीकार करिए, भगवद गीता के ज्ञान को समझिए, और केवल समझिए नहीं अन्यों को भी प्रेरित करिए कि वो भी इसे समझें, क्योंकि जब आप अन्यों को प्रेरित करोगे तो भगवान गारंटी देते हैं कि वो निश्चित रूप से आपको भगवत धाम ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारे अंदर स्वार्थ का भाव नहीं रहता। अभी अगर हम घर से चल करके आ रहे हैं खुद, तो हमारे अंदर स्वार्थ का भाव है, मेरा कल्याण हो, मुझे ज्ञान हो, मैं सही दिशा में चलूं, मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में आनंद आए। लेकिन जब आप 5 और को लेकर के आते हो तब आप परोपकारी भाव में चले जाते हो, क्योंकि आपके मन में होता है कि ये 5 लोगों को भी शांति मिले, इन 5 लोगों को भी आनंद मिले, इनको भी भगवान का भक्ति मिले, इन्हें भी सही ज्ञान मिले, इन्हें भी सही ग्रंथ मिले। तो परोपकार करने वाले व्यक्ति को भगवान गारंटी देते हैं कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे पास आता है। भगवान ने यही तो कहा इस श्लोक में, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को अन्य लोगों को यह परम रहस्य बताता है या बतवाने की व्यवस्था करता है ना, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, वो भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे पास वापस आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ही आते रहेंगे अकेले तो फिर गारंटी नहीं है भगवान के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यह व्यक्ति स्वार्थी है, ये अपने हित के लिए आता है, अपने कल्याण के लिए। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वयं अपने जीवन में उतारें और अन्यों को भी प्रेरित करें कि वो भी आए। और आगे श्लोक भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्यों को ये प्रचार करता है, अन्यों को भगवान के भक्ति करता है, अन्यों को सही स्थान पर लेकर के आता है, सही ज्ञान दिलवाता है, उससे अधिक सेवक मुझे न तो प्रिय है और न होगा। भगवान का प्रिय बनना कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन जान लो अगर आप
कि भगवान के प्रिय हम कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति के प्रिय बनना चाहते हो, तो अगर आप उसके प्रिय बनना चाहते हो तो वो जो कहेगा उसके अनुसार आप उसके प्रिय बनोगे, या आप अपनी मर्जी से सेवा करते रहोगे उसके प्रिय हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इसको ऐसे समझे, अगर किसी व्यक्ति को आप खुश करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति मुझसे जुड़ जाए, मुझ पर बड़ा खुश हो जाए, आप क्या करते हो, डेली सुबह घर से उठते हो, मुंह धोते हो, नहाते हो, उसके दरवाजे पे बैठ जाते हो जाकर, ठीक, क्यों, क्योंकि आपको लगता है आपको आप उसको खुश कर रहे हो, जबकि वो आपकी इस आदत से इरिटेट हो रहा है। ये आकर के सुबह जाकर के बैठ जाता है, दिमाग खराब करता है, जो घर के काम होते हैं वो भी नहीं करने देता है ना। अगर इसी प्रकार से कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, राजा रमन बिहारी के पाकर के सुबह से घेर लेते हैं, तो राजा रमन मन में सोचते हैं कि आ जाता है दुष्ट, मैं जो कह रहा हूं वो इसे जानना नहीं है, वो इसे मानना नहीं है, वो इसे करना नहीं है, बता करके मेरा टाइम खराब करता है। कहने का मतलब है हमको ये जानना चाहिए कि राजा रमन बिहारी क्या चाहते हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, अन्यों को ये शिक्षा दो, अन्यों को ऐसी शिक्षा ऐसा ज्ञान मिलने की सुविधाएं करो, अरेंजमेंट करो ऐसे जैसे कि और लोग भी भगवान की बात को समझ सके। और अगर आपने ऐसा किया या ऐसा करने में आप सहयोगी हुए तो आप भगवान के सबसे प्रिय हो जाओगे, इससे अधिक प्रिय व्यक्ति उन्हें कोई नहीं। भगवान की सेवा करने वाले तो सब हैं, जो नाम जप करता है वो भी सेवा करता है, जो भगवान के लिए भोग बनाता है वो भी सेवा करता है, जो भगवान का मंदिर झाड़ता है वो भी सेवा करता है ना, जो भगवान को वस्त्र पहनाता है वो भी सेवा करता है ना, जो भगवान की सेवा कर रहा है वो सब सेवक है भगवान के। लेकिन उन सब सेवकों में सबसे अधिक सेवक कौन प्रिय है, तो भगवान बोलते हैं जो मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञान को अन्यों को बताता है वो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे न तो अधिक प्रिय है और न कोई होगा। अगले श्लोक में बोलते हैं 69 श्लोक में बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकर्तमा भविता, न च मे तस्मादन्य प्रियतरो प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, ये भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। तो भगवान के प्रिय बनने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए, उनके अनुरूप काम करो भाई, औरों को भी भगवान की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें, उनको भी ला करके आध्यात्मिक ज्ञान दिलाएं, भगवान की बात को वो सुने और समझे। और अगर इतना मात्र करने से क्या होगा, आप भगवान के और कितने प्रिय बनोगे, उससे अधिक न तो कोई है और न होगा। ये कौन कह रहा है, अपरमेश आनंद बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे, भगवद गीता के अंदर भगवान की बात को मानिए, भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा करिए अगर भगवान को खुश करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम भगवान के बहाने अपने मन को खुश करना चाहते हैं बस। भगवान के सामने भी आकर के मन को खुश करने वाले काम करते हैं, किसके मन को, भगवान के मन को नहीं, मेरे मन को, मेरे मन को, मेरी ये इच्छा है कि आज हम ये कार्य करेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं वो जानने की मेरी इच्छा नहीं, मैं ये सोचता हूं मुझे आज ऐसा करना है, आज मुझे भगवान को बहुत फूलों के हार पहनाने, बहुत अच्छा है, ये भी एक सेवा है भगवान की, लेकिन उससे और ज्यादा अच्छा है कि आप जानो कि भगवान आपसे क्या चाहते हैं। भगवान के बताए अनुसार अगर हम चलेंगे तो बहुत कम समय में भगवान के बहुत अधिक प्रिय बन जाएंगे। वैसे तो भगवान को कोई छोटा सा भी कैसी भी सेवा करता है, माला चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, कुछ ना चढ़ाए सिर्फ आ ही जाता है, अपनी शक्ल ही दिखा देता है, भगवान इतने भी खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक खुश वो उससे होते हैं जो उनके विषय में अन्यों को बताता है, जो उनसे जोड़ता है। क्यों खुश होते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि लोग भटक रहे हैं, कोई इन बाबा जी के चक्कर में भटकता है, कोई उनके चक्कर में, कोई इस देवता में, कोई उस देवी में, बहुत कम लोग हैं जो कि
परम भगवान जो कि वास्तव में भगवान है उनकी शरण में आ पाते हैं। और भगवत गीता कहती है बहुना नाम जन्नामंते ज्ञान वानाम प्रपद्धते वासुदेवा सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद बहुना नाम बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञान वानाम जो बहुत जन्मों के बाद हमारे आपके एक जन्म नहीं हुए अनंत जन्म हो चुके हैं और जाने कितने होने हैं। तो भगवान बोलते हैं बहुना नाम बहुत सारे जन्मों के बाद जब किसी को ज्ञानवान प्रपद्धते ज्ञान होता है तब क्या करता है सर्वमति सब कुछ कृष्ण को मानता है कृष्ण ही भगवान है परम भगवान है। ऐसा व्यक्ति कौन है सब महात्मा वो महात्मा है और कैसा महात्मा है सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ। तो महात्मा बनना मुश्किल है केवल भगवान कृष्ण को स्वीकार करना है केवल भगवान कृष्ण का निरंतर चिंतन करना है और आप महात्मा बन जाएंगे। गांधी जी भगवत गीता को हमेशा हाथ में लिए रहते थे है ना आज भी उनके आगे क्या लगा है महात्मा गांधी क्यों क्योंकि भगवत गीता को उन्होंने पकड़ा भगवत गीता को समझा। अब कितना कौन चला कितना सिद्धांतों को समझा प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के भगवत गीता के सिद्धांतों से प्रभावित नहीं थे क्योंकि भगवत गीता पर टीका तो बहुत से लोगों ने लिख दिया लेकिन वास्तव भगवत गीता का क्या अर्थ है वास्तव भगवत गीता का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना आत्मा को आजादी दिलाना। शरीर स्तर पर आजादी दिलाना अलग बात है और आत्मा को आजादी दिलाना जिसकी बात हमने शुरुआत की थी जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवत गीता जिसके हाथ में वास्तव में है। देखिए भगवत गीता पकड़ने वाले बहुत लोग हुए हैं संसार में लेकिन वास्तव में जिसके हाथ में भगवत गीता रही है उसने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़वा दिया लोगों को ऐसी आजादी जो कि परम आजादी है। और वास्तव में ये भगवत गीता जो है ये सनातन औषधि है। हम लोग कौन है आत्मा है और आत्मा सनातन है भगवान सनातन है और आत्मा की भगवान से जुड़ने की जो विद्या है परम गुरु विद्या भगवत गीता वो भी सनातन है। तो सनातन औषधि को स्वीकार करिए और क्षणिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन परेशानियों से समस्याओं से मुक्त हो जाइए। श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय समस्त भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सारी बात समझ में आ गई कोई प्रश्न नहीं प्रश्न पूछने चाहिए। प्रभु जी पूछेंगे पूछिए और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं भगवान भगवत गीता बोलते हैं कि सबसे ऊपर है मेरा भक्त और जो भक्त होता है वो ध्यानी तो होता ही है क्योंकि भक्त कोई ध्यान से अलग थोड़े ही है। कुछ मूर्ख हैं वो क्या करते हैं शून्य का ध्यान करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं मोमबत्ती जला के उसका ध्यान करते हैं है ना ये सब मूर्ख हैं। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका है राधा रमन बिहारी को देखो और इनके लिए इनके चिंतन में डूबे रहो बस ये असली ध्यान है और यही भक्ति योगी करता है। तो जो भक्त है वो ध्यानी तो है ही है क्योंकि उसके निरंतर ध्यान में भगवान रहता है। बल्कि जो वास्तव में भक्त है वो तथाकथित ध्यानी से बहुत ऊपर है। मेरा क्वेश्चन ये था मन और आत्मा क्या दोनों अलग अलग है या एक ही जैसे कि
मन और आत्मा जो है वो अलग अलग है ना, और मन और आत्मा एक नहीं है। जैसे शरीर और मन अलग है, वैसे ही मन और आत्मा अलग है। शुरुआत में तो मन और शरीर को समझना भी बड़ा मुश्किल होता है ना, बोल देते हैं हम, लेकिन वास्तव में क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही तो मानते हैं, लेकिन बाद में कई बार मन के स्तर तक मानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं। तो आत्मा वास्तविक स्थिति है जो कि हम हैं, और मन के चंगुल में फंस गए आत्मा बेचारी, मन के चंगुल में फंस गई। जब ये मन के चंगुल से आत्मा मुक्त हो जाएगी तो हम भगवत धाम वापस ले आएंगे, क्योंकि मन ही सब गड़बड़ कराता है, आत्मा कोई गड़बड़ नहीं करती, वो अशांत है। भगवत गीता में बताया गया जैसे पांच घोड़े, पांच इंद्रिया, मन, लगाम, बुद्धि, सारथी और आत्मा रथ पे बैठा है, वो कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा है, बस शांत बैठा। अब गड़बड़ कौन कर रहा है, कभी घोड़े गड़बड़ कर रहे, इधर भागा उधर भागा, है ना, गड़बड़ मन कर रहा है, ढीला हो गया, गड़बड़ बुद्धि कर रही है, सो गई, है ना। परेशानी आत्मा को उठानी पड़ती है, क्योंकि नीचे योनियों में आत्मा को भटकना पड़ता है। बदमाशी मन करता है, बदमाशी बुद्धि करती है, बदमाशी इंद्रियां करती हैं, परिणाम आत्मा को भटकना पड़ता है। ठीक, प्रश्न क्या है, आत्मा इस जंजाल में ऐसे फंसी कि आत्मा में जब ये हम भगवत धाम में थे, जब हम भगवान के पास भगवत धाम में थे और हमने देखा कि गोलोक धाम में एक कृष्ण और बहुत सारी गोपियां, और सारी गोपियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं, है ना, सारे गोप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे मन में आया, अच्छा मेरी भी तो कोई वैल्यू है, इनकी सेवा क्यों करें, मेरी भी सेवा होनी चाहिए, है ना। ये द्वेष भाव आया भगवान से, है ना, और इसके कारण हमें इस भौतिक जगत पर आना, भगवान ने कहा अरे अरे ठीक ठीक, आपकी इच्छा है, आप भी स्वामी बनना चाहते हो, आप भी भगवान बनना चाहते हो, जाओ इस भौतिक जगत पर, और हमको यहाँ भेज दिया गया। और जब से हम आए हैं अनंत जन्मों से, तब से केवल भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हर समय, है ना। मन तो भौतिक है, अध्यात्म कहां से हो गया, वहां मन नहीं होता। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर आपका सिर्फ भौतिक ब्रह्मांड में है बस। आध्यात्मिक जगत में मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, अग्नि नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, आकाश नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। अब आप कहोगे जब ये सब नहीं है तो फिर क्या है वहां, तो आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक शिक्षा को अचिंत्य कहा जाता है। अमीन्स नहीं, चिंत मीन्स चिंतन, आपकी बुद्धि से परे का विषय है, आप उसका चिंतन नहीं कर सकते। आप उन्हीं चीजों का चिंतन कर सकते हो जिन चीजों को आपने देखा है, जिनसे व्यवहार किया, जिनको समझा है, बस उससे ऊपर आप चिंतन नहीं कर सकते। तो आध्यात्मिक जगत अचिंत्य है, भगवान अचिंत्य है, जितनी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं वो सब अचिंत्य है। आध्यात्मिक ग्रंथ ये कैसे है, अचिंत्य है। आध्यात्मिक गुरु अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है ये सब चीजें, क्योंकि हमारा जितना बुद्धि होता है हम हर चीज को उतना ही देखते, उतना ही समझते, उसी के अनुरूप करते हैं। ठीक है जी, जो सीधा मोटी परिभाषा है, जो व्यक्ति आपको सांसारिक आसक्तियों से हटा दे, भगवान में प्रेम करा दे, बस काम हो गया, और गुरु का कोई दूसरा काम नहीं। जो आपके समस्त संशयों का निवारण करके आपको समाज की, शरीर की, सांसारिक समस्त आसक्तियों को काट दे और आपको भगवान से जोड़ दे। इनिशियल स्टेट पे आप आते रहिए, कथा सुनते रहिए बस। और कोई प्रश्न?
चलिए धन्यवाद श्री प्रभुपाद की।